हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई बेस्ट होममेड रेमेडीज के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा हेयर सीरम, जिसको बनाने में ना तो ज्यादा टाइम लगने वाला है और ना ही बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है, और इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। बिल्कुल औसम आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो अगर फ्रेंड्स आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, रूखे बेजान हो गए हैं, बालों की चमक बिल्कुल खत्म हो गई है और ग्रोथ भी जो है इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो ये हेयर सीरम आपके लिए बिल्कुल एक वरदान सिद्ध होने वाला है। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इसको बनाने में 3 से 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो मैंने लिया है वो है लौंग। तो जो हमारा हेयर सीरम जो बेस बनेगा इसका, वो लौंग के पानी से ही बनेगा। तो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स लौंग है, इसको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है और बालों के लिए भी। बालों में जो चमक जो खत्म हो गई है, ये जो है हमारी बालों की चमक को वापस लाने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये देगी। थर्ड हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो है एलोवेरा जेल। और एक इंग्रेडिएंट्स और है जो हम इसमें ऐड करेंगे, वो या तो टी ट्री ऑयल हम ऐड कर सकते हैं, उसकी 3 से 4 बूंदे हम मिला सकते हैं, या फिर जो है बादाम रोगन, बादाम का शुद्ध तेल जो होता है उसको हम ऐड करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फ्राई पैन लेना है, गैस को बिल्कुल धीमी आंच पर रखना है और इसको जो है ऑन कर देनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है, तेज नहीं करना है। ये जो सीरम हम बनाने जा रहे हैं ये बिल्कुल धीमी आंच पर बनेगा। उसमें अब मैंने चौथाई हिस्सा, गिलास का चौथाई हिस्सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है और तकरीबन 25 से 30 लौंग इसके अंदर डाल दिए हैं। तो 4 से 5 मिनट हमें इसको पकाना है, ताकि लौंग का जितना भी बेनिफिट है जो हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है, वो सब इस पानी के अंदर आ जाएगा। तो धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट हमें इसको पकाना है, इसके बाद ही हम अपने सीरम के लिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, जितना पानी हमने लिया था उसका तकरीबन आधा पानी रह गया है और इसको मैंने छान लिया है, और जितने भी जो है लौंग के अंदर जितने भी गुण थे वो सब इस पानी के अंदर आ गए हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है इंग्रेडिएंट्स हमारा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और बालों में चमक लाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अब इसमें 1 चम्मच जो है मैं इसमें ग्लिसरीन ऐड करने वाली हूँ। ये देखिए, 1 चम्मच मैंने इसमें ग्लिसरीन ऐड कर दिया है। इसके बाद जो थर्ड इंग्रेडिएंट्स है हमारा वो है एलोवेरा जेल। तो आप वैसा भी ले सकते हैं, प्लांट बेस्ड भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो सीरम है ये हम थोड़ा लंबे टाइम के लिए रखने वाले हैं, तो पैकिंग वाला थोड़ा सा लेने वाली हूँ इसमें मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक चलता है। प्लांट बेस्ड जो होता है वो थोड़ा कम टाइम के लिए जो हम बनाते हैं, रेमेडीज हम बनाते हैं, उसके लिए तो काफी अच्छा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे खराब होने लग जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पैकिंग वाला लिया है। अब इसमें जो है 2 से 3 चम्मच इसमें मैं एलोवेरा ऐड करने वाली हूँ। तो ये सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको मिक्स होने में, बिल्कुल एक क्रीमी सा पेस्ट हमारा बन जाएगा। तो इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तीनों चीजें अच्छे से इसमें मिक्स हो गई हैं। बहुत ही एक क्रीमी पेस्ट हमारा बनकर यहाँ पर तैयार हो गया। अब इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट्स है वो है हमारा बादाम रोगन। इसकी जगह आप टी ट्री ऑयल अगर लेते हो तो बहुत ही बेस्ट है, मेरे पास नहीं था तो मैं यहाँ पर बादाम रोगन ले रही हूँ। एक तो इसका ये बेनिफिट है कि जो इसमें थोड़ी सी जो लौंग की वजह से जो हल्की सी स्मेल हो गई है तो वो नहीं होगी,
जो बादाम रोगन है उसकी वजह से इसमें जो है एक भीनी भीनी सी खुशबू हो जाएगी। और दूसरी जो चीज है, बादाम रोगन तो वैसे भी हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो ये हमारे बालों में शाइन भी लाएगा और जो है बालों की जो रूखापन है उसको भी खत्म करेगा, ग्रोथ में भी इम्प्रूव कर ग्रोथ को इम्प्रूव करने में भी हमारी हेल्प करेगा। तो बहुत सारे गुण हैं जो हमारे बालों के लिए जो ये बादाम रोगन की वजह से इसके अंदर बहुत ही अच्छा इम्प्रूव होने वाला है। तो अब इसमें आधा चम्मच जो है मैं इसमें बादाम, आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम है, ये देखिए तकरीबन इतना मैंने इसमें बादाम रोगन को मिक्स कर दिया है। ये देखिए अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स, ये देखिए ये अब बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको थोड़ा सा पतले में चाहिए होता है, अगर आपको स्प्रे बोतल में इसको भरना है तो आप इसमें एक चम्मच जो है गुलाब जल मिला सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा मोटा रखना है, आप हाथ पर लगाकर अपने बालों पर अप्लाई करते हैं तो ये बेस्ट है। और अगर आपको स्प्रे बोतल में भरना और उसे स्प्रे करना है तो इसमें थोड़ा सा आप जो है गुलाब जल मिला सकते हैं। एक चम्मच अगर आप इसको इसमें गुलाब जल मिलाओगे तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो अब आप इसको जो है एक किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं या फिर स्प्रे बोतल में भी भरकर रख सकते हैं। उसमें भरने के लिए आपको जो है इसको थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा। तो अभी इसको कैसे अप्लाई करना है, जब भी आप अपने बालों को धोते हैं, वॉश करते हैं, उसके बाद जब आपके बाल 70% सूख जाते हैं, 70% जब आपके बाल सूख जाते हैं, 30% गीले रह जाते हैं, मतलब कहीं कहीं से बिल्कुल सूख गए हैं, कहीं कहीं से थोड़े थोड़े से गीले हैं, तब आपको इसे अपने बालों में अप्लाई करना है। तो थोड़ा सा लीजिए और जो है अपने बालों पर अप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा, जो बाल जो बिल्कुल उलझे हुए होते हैं, एक तो वो बिल्कुल सुलझ जाएंगे बहुत ही अच्छे से बिना टूटे हुए। कई बार क्या होता है कि जब हम नहाकर मतलब अपने बालों को धोकर जब उनको कॉम करते हैं, कंघी करते हैं, तो उस समय हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, बहुत ज्यादा टूटते हैं। तो सबसे बेस्ट है अगर आप इसे अप्लाई करने के बाद, इसको बालों में लगाने के बाद अगर आप अपने बालों में कॉम करते हो, कंघी करते हो, तो बिल्कुल 80% आपके जो है बाल उसी दिन टूटने झड़ने बंद हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपके बालों की चमक खत्म हो गई है, रूखे रूखे से बेजान हो गए हैं, तो वो भी जो है आपके बालों में बहुत ज्यादा इम्प्रूव ये जो है सीरम करने वाला है। और जो लौंग का पानी हमने इसमें मिलाया है, जो हमारा बेस था, उससे क्या होगा, हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ज्यादा इम्प्रूव होने लगेगा। तकरीबन जो हेयर सीरम होते हैं वो हम सिर्फ लेंथ पर जो है बालों की लेंथ पर ही अप्लाई करते हैं, स्कैल्प पर नहीं लगाते हैं। इसे आप अपनी स्कैल्प से लेकर और बिल्कुल लास्ट तक बालों की पूरी लेंथ में लगा सकते हो, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये देखिए जब स्किन में ही इतनी चमक आ गई है, ये देखिए, तो बालों में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा हेयर सीरम। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी और आपको लगता है कि हाँ ये काम करने वाला है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।